तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। और हम आकर हम वापस आ गए हैं और एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं फेक इट इंडिया पर। और मेरा नाम है आतिश गागर और मेरे साथ है लक्ष्मी। ओके तो गाइस, हम आज फेक इट इंडिया पर रिएक्शन देने वाले हैं, जो कि है कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस ने चारों तरफ कहर मचा रखा है, तो कोरोना वायरस इंडिया में आने पर क्या करता है, तो इसी बात के ऊपर फेक इट इंडिया का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, बड़ा ही कॉमेडी वीडियो है। इससे पहले फेक इट इंडिया की ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जाइए उसे भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और बस, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए। तो हम शुरू करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि चाइना में बड़ी ही जोर शोरों से फैल रहा है और कई देशों में इसके लक्षण भी मिल रहे हैं, धीरे धीरे फैल रहा है। तो चलिए देखते हैं कोरोना वायरस वर्सेस डेंगू क्या हड़कंप मचा हुआ है, क्या डेंगू जीतेगा या फिर कोरोना वायरस। चलिए तो गाइस देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। बड़ी खबर गाजियाबाद से। चाइना से कल शाम गाजियाबाद आए कोरोना वायरस को डेंगू हो गया। खबर है कि ये कोरोना वायरस एक कबूतर कोरोना वायरस को डेंगू हो गया। भाई गजब भाई, कॉमेडी भी सुन की कॉमेडी बड़ी शानदार होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। के पंख पर बैठकर चाइना से गाजियाबाद आया। गाजियाबाद लैंड होते ही कबूतर एक नाली के पास बैठ गया, जहां नाश्ता कर रहे 1.5 किलो के 3 मच्छरों ने उसे काट लिया। 1.5 किलो के मच्छर भाई, 1.5 किलो के मच्छरों ने काट लिया। कोरोना वायरस कैसे आया भाई? कबूतर के पंख पर बैठकर कोरोना वायरस आया और गाजियाबाद में उतरा। गाजियाबाद में जहां उतरा वहां पर नालियां थी, नालियां पर उतरते ही 1.5 किलो के मच्छर ने उसको काट लिया और उसे डेंगू हो गया। कोरोना वायरस को डेंगू हो गया है, उसकी हालत गंभीर है। मच्छरों के काटने के बाद कोरोना वायरस को इतनी ठंड लगी कि वो घबराकर एक मिठाई की दुकान में छिप गया। मगर मुसीबत ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मिठाई की दुकान में पहले से बैठे 250 मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। भारत आते ही मक्खी और मच्छरों के इस हमले से कोरोना वायरस अबे सीन भी कौन सा लिया मक्खी का इन्होंने, देखा तूने? सीन कौन सा लिया मक्खी का, देखा तूने? ओके आगे चलते। इतना घबरा गया कि वो चीन जा रहे दूसरे कबूतर के पंख पर लटक गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर वो कबूतर जैसे ही यमुना नदी के ऊपर से गुजरा तो वहां इतनी जोर की बदबू आई कि कोरोना वायरस चक्कर खाकर सीधे यमुना नदी में गिर गया। रुको रुको रुको, ओ भाई, वो डर के मारे वापस चाइना जा रहे कबूतर के ऊपर, टांग से लटक गया, फिर पंख से लटक गया, किसी से भी लटक गया, लेकिन जैसे यमुना नदी के ऊपर से निकला कबूतर, तो वहां की बदबू से इतनी ज्यादा भयंकर वाली बदबू कि वो कोरोना वायरस वही चक्कर चक्कर खा खाके के वही उसी में नीचे, गिर गया। वही नीचे गिर गया। गजब गाइस। वायरस की लाश यमुना में तैरते हुए कानपुर पहुंच गई, जहां यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को चीन में उसके घर वालों को सौंप दिया है। साथ ही धमकी भी दी है कि अगर दोबारा किसी कोरोना वायरस ने भारत में घुसने की कोशिश की तो उसका यही हश होगा। बड़ी खबर बिग बॉस से। खबर है कि बिग बॉस देख रहे दर्शक कुछ ना कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बिग बॉस के इन दर्शकों ने पूरी तरह से खुद को घर में बंद कर लिया है। अधिक बातचीत के लिए सीधा चलेंगे मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया के पास, जो खुद व्हाट्सएप पर अपने मोहल्ले की चुगली ग्रुप के एडमिन है। रिंकू क्या हुआ, बिग बॉस के दर्शकों ने कैसा फैला ये कुछ ना कोरोना वायरस? रिंकू, डॉक्टरों का कहना है कि टीवी पर लगातार बिग बॉस देखते रहने के कारण इन लोगों को नॉर्मल लोग पसंद आना बंद हो गए। बातचीत में 5 मिनट तक कोई गाली गलौच ना करे तो इन्हें घबराहट होने लगती। ये लोग कमरे में लगे बल्ब को सीसीटीवी कैमरा समझकर उसमें देखकर बात करने लगे। इन्होंने खुद को सोसाइटी से काटकर बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह खुद को घर में बंद कर लिया।
अब ये लोग दिन भर सिर्फ खाना खाते हैं, घर वालों से झगड़ते हैं और कुछ नहीं करते। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को कुछ ना कोरोना वायरस कहा जा रहा है। देखिए, हमारी असली चिंता ये है कि एक बार बिग बॉस खत्म हो गया तब इन लोगों का क्या होगा, इसलिए हमने बिग बॉस के सभी दर्शकों के लिए बासेपुर के नाम से शहर बसाने का फैसला किया है, ताकि ये लोग बाकियों को कुछ ना कोरोना वायरस का शिकार न बना। यूपी के कानपुर में कल शाम एक इमारत तेज धमाके से उड़ गई। पहले लगा कि शायद कोई सिलेंडर फटा है, फिर लगा कि शायद पटाखे बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, मगर भारी खोजबीन के बाद पता चला कि जिस इमारत में धमाका हुआ वो एक पब्लिक टॉयलेट था, जिसे कभी ना साफ करने के कारण वहां जहरीली गैस इकट्ठा हो गई थी। कल शाम किसी ने बीड़ी पीने के लिए जब माचिस जलाई तो माचिस की इस आग से बाथरूम में मौजूद गैसों से धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि बीड़ी जलाने वाले हवा में उछलकर सीधा उस कोरोना वायरस से जा टकराया जो कबूतर पर बैठकर वापस चाइना जा रहा गजब, शानदार, एकदम बहुत ही शानदार वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो बनाते हैं जेमी और क्या नाम है, जेमी ऑल्टर बहुत ही शानदार वीडियो बनाते। टॉम हॉलैंड ही है क्या इनके पिता का नाम, शायद टॉम ऑल्टर। उनके दूसरे चैनल पर है, इनका दूसरा भी चैनल है, वहां पर ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते हैं। तो इन्होंने भारत की ही नागरिकता ले रखी है, वो यहीं जन्मे हैं और यहीं की नागरिकता है उनके पास। तो कोई भी जाता है, देखता है एयरपोर्ट पर, कोई के पासपोर्ट दिखाते हैं तो अरे ये का इंडिया का पासपोर्ट, भाई तुम्हारे पास तो अमरीका जैसे देशों का पासपोर्ट होना चाहिए। तो पहले शुरू में जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे भी यही लगा, यार ये तो कोई विदेशी है जो इंडिया में आकर के हिंदी सीख करके वीडियो बना रहा है। पर इन्होंने अभी हाल ही करीब 7 या 8 दिन पहले शायद एक वीडियो इन्होंने डाला था, जिसमें इन्होंने बताया था कि मेरा जन्म यहीं हुआ है और यहीं पर ही परवरिश हुई है, सारा कुछ यहीं हुआ है, तो इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हिंदी बोल सकता हूँ मैं, और जो भी है वो तो अब यहीं का ही है। ओके, तो इनकी वीडियो बहुत ही शानदार रहती है, हम काफी टाइम से इनकी वीडियो देखते आ रहे हैं, तो सोचा आज चलो इनकी वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। और इनकी वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक दबाना। लाइक दबाओगे तो इससे हमें ज्यादा वो रहती है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बनाएं, और इन वीडियोस से हटकर, रिएक्शन वीडियोस से हटकर भी हम अपनी कुछ और शानदार वीडियो आपको दिखाएं, जिससे आपको भी मजा आए और हमें भी मजा आए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।